The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Now, what is USG KUB? USG matlab ultrasound. KUB matlab kidney, urinary bladder, urethra and bladder. ये पूरा सिस्टम किडनी बीच में ट्यूब यूरेथ्रा और ब्लैडर राइट इन तीनों को चेक करते हैं के यू बी अल्ट्रासाउंड में. नाउ व्हाट इज दिस अल्ट्रासाउंड, व्हाट इज इट? ये भी एक अल्ट्रासाउंड है, इसमें इन्वेजिव भी नहीं है, उसमें इसमें सेफ प्रोसीजर है. बाहर से प्रोब लगता है, जैसे इको का अल्ट्रासाउंड का प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड होता है वैसी प्रोब लगता है. पेनलेस है, कोई बेहोशी नहीं लगती है, पेनलेस चीज है. इसमें साउंड वेव यूज होती है अल्ट्रासाउंड की. किडनी यूरेथ्रस और यूरिनरी ब्लैडर को चेक किया जाता है. किडनी आपके ऊपर साइड में, यहाँ पे पीछे साइड में है, फिर वहाँ से ब्लैडर तक एक ट्यूब जाती है, यूरेथ्रस और ब्लैडर. तो इनमें क्या देखा जाता है, उसमें कोई सूजन तो नहीं है, किडनी सूजी तो नहीं है. अल्ट्रासाउंड मशीन क्या करती है, साउंड वेव भेजती है और वापस लेती है और किडनी की एक इमेज बना देती है आपके स्क्रीन पे, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो आपको फोटो खींच के मिलती है. क्यों किया जाता है, किडनी का साइज देख सकते हैं, किडनी में कोई इंजरी है देख सकते हैं, कोई क्रोनिक रीनल बीमारी है देख सकते हैं, उसका इको स्ट्रक्चर खराब दिखेगा और ब्लॉकेजेस दिख सकते हैं किडनी में. अगर कोई स्टोन है, कोई स्टोन ने ब्लॉक किया हुआ है वो दिखेगा. कोई किडनी में एबनॉर्मलिटी है कि पॉलीसिस्टिक किडनी है, एक ही किडनी है, किडनी है ही नहीं, ये सारी चीज़ें. तो अलॉट ऑफ एबनॉर्मलिटीज कैन बी सीन इन द किडनीज. एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, स्टोन्स, इन्फेक्शन, सिस्ट, ट्यूमर्स, ऑल ऑफ दीज सिस्ट ट्यूमर भी दिख सकते हैं किडनी में, राइट? तो इसके लिए क्या प्रिपरेशन है, यू डोंट नीड एनी प्रिपरेशन फॉर दिस. कोई प्रिपरेशन नहीं करना है आपको. ब्लैडर को देखने के लिए ब्लैडर फुल होना चाहिए, तो आपके डॉक्टर्स आपको बोलेंगे पानी पी के आओ, यूरिन पास मत करके आओ. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू डू. एंड आपने डॉक्टर को आपको बताना है, अगर आप यूरिन पास नहीं किया, अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर कुछ भी ऐसी एबनॉर्मलिटी है, तो आप बता सकते हैं अपने डॉक्टर को, राइट? या आपको बोल सकते हैं कि अगर आप खाली पेट हो, कि खाना खा के आए हो, वो देख सकते, खाना खा के गैसेस बन सकती है, वो थोड़ा अपना जो व्यू है वो खराब कर सकते हैं. तो खाली पेट आओ, पानी पी के आओ, वो जरूरी है. सो प्रोसीजर में क्या होगा, आपको लेटाया जाएगा, आपको साइड में लेटा के ये किडनी, साइड में लेटा के वो किडनी, सीधा लेटा के नीचे ब्लैडर चेक होगा बढ़िया आसानी से. वो ब्लैडर व्लैडर सब चेक कर लेंगे. डॉक्टर एंड में आपको बोलेंगे यूरिन पास करो, यूरिन पास करके फिर से चेक होगा. सो वो इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिए कि ये एक तरीके से अल्ट्रासाउंड है, इमेजेस देखी जाएगी बिल्कुल जैसे बच्चा देखा जाता है आपको, आपको अगर पता है तो. रिजल्ट्स में आपको एक्सरे इमेजेस मिलेगी और एक प्रिंटेड रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें पता चलेगा हर एक चीज़, किडनी कैसी है, ब्लैडर कैसा है, वो कैसा है, कोई साइज तो नहीं बड़ा, पानी तो नहीं भरा, कोई सूजन तो नहीं है, इफ देयर इज एनी इश्यूज लाइक दैट. रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाता है, या कभी कभी डॉक्टर कंफर्म करने के लिए एक आध दिन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज हाउ इट गोज. एंड देन इसका कोई रिस्क, नो रिस्क, इसमें कोई एक्सरे नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है. सो इट इज एब्सोल्युटली सेफ. ये किसी भी चीज़ में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, किसी में भी कर सकते, नो रिस्क एट ऑल. सो दिस इज द वर्स्ट फर्स्ट टेस्ट जो करा जाता है यूएसजी के यूबी, नो रिस्क एट ऑल. इट्स अ रिस्क फ्री मेडिकेशन, रिस्क फ्री टेस्ट. सो यू कैन डू दिस टेस्ट टू डायग्नोस किडनी स्टोन्स एंड अदर थिंग्स. बहुत छोटे छोटे स्टोन्स नहीं दिखते, कई बार स्टोन्स अटके होते हैं तो पीछे किडनी में सूजन दिखती है. तो इफ किडनी इज स्वोलन देन देर इज अ स्टोन. सो दिस इज वॉट आई कैन टेल यू अबाउट यूएसजी के यूबी. सिमिलर थिंग होती है एक्सरे के यूबी में. एक्सरे के यूबी में किडनी यूरिनरी ब्लैडर का एक्सरे किया जाता है. कई बार उसमें डाई डाल के भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली बिना डाई के भी दिख जाता है. तो एक्सरे के यूबी या डाई डाल के भी वो करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट देन ओके. ठीक, यही बात.